पाँच दिन के अंदर अंदर बवासीर से होने वाला दर्द, जलन, सूजन, ब्लड और पेट सही तरह से साफ ना होना, ये सारे पांच चीजें पांच दिनों में आपको राहत मिलेगा और ये आप शुरुआती इलाज है। आप ट्राई करके देखिए, एक महीने के अंदर अंदर काफी ज्यादा लाभ मिलेगा। फाइल्स के हजारों लाखों पीड़ित जिनको मेरे पिताजी के द्वारा सात पीढ़ी के अनुभव से तैयार की औषधि से ठीक किया गया है, उस औषधि के बारे में चलिए जानते हैं और क्या क्या औषधि में दिया गया है, कैसे पिताजी उन्होंने खुद बनाया है, खुद उनको लोगों को दिया गया है और कई सारे लोगों को केवल पाँच दिन के अंदर अंदर इस औषधि से लाभ मिला है। ये औषधि हमारे परिवार में पिछले सात पीढ़ियों से यूज किया जा रहा है और हम अपनी पीढ़ी के सातवीं पीढ़ी है जो इस औषधि को आज भी लोगों को यूज कराते हैं और लाखों पेशेंट को हमने ठीक किया है और उनको लाभ दिया है। चलिए जानते हैं पिताजी से कि इस औषधि में कैसे कैसे क्या क्या चीजें थी जो उन्होंने बताई है और हम उसको कैसे यूज करते हैं। इस औषधि में सबसे मेन महत्व जो चीज है, जो सबसे ज्यादा रोल निभाती है, वो ये पत्थरनुमा चीज है। ठीक है जी, ये ब्राउन कलर की जो चीज आप देख रहे हैं इसको रेवंद असारा कहते हैं। ये एक पेड़ है जिसका नाम रेवंद है, उससे एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस से निकाला गया एक गोंदनुमा चीज है। इसको गोंद नहीं कहेंगे लेकिन दिखने में ये वैसे ही है, इसको रेवंद असारा कहते हैं, जो मेन रोल प्ले करता है आपके बवासीर के रोग को ठीक करने में। इसके बाद अगली जो चीज है वो है आपका नुशादर। नुशादर टिकरी कहते हैं, आपको किसी भी पंसारी में मिल जाएगा, बहुत कॉमन आइटम है, आयुर्वेद में बहुत लंबे समय से इस चीज को यूज किया गया, ना सिर्फ बवासीर में लाखों हजारों परेशानियों में ये यूज किया जाता है और बहुत बहुत महत्व है इसका। अगली जो चीज हमारे इस नुस्खे में है वो है आपका सूखा धनिया। ये सूखा धनिया लाखों लोग इसको डेली घरों में यूज करते हैं, मसाले के रूप में यूज करते हैं, खाने में डालते हैं, चटनियों में डालते हैं, इसका भी बहुत बहुत बड़ा महत्व है आपके पाइस को ठीक करने में। सौंफ के बारे में आप सभी को पता है, हमारे शरीर को ठंडक पहुंचाते हैं क्योंकि बवासीर एक ऐसा रोग है जो शरीर में गर्मी तपस होने की वजह से होते हैं। लोगों को बवासीर में होने वाली ब्लीडिंग को रोकने में सौंफ का बहुत बहुत बड़ा रोल है। सौंफ हो गया। अगली चीज़ है इसके अंदर हल्दी। हल्दी आप कोशिश कीजिए कि जब भी मार्केट से परचेज कीजिए तो उसको तोड़ के ज़रूर देखिए कि हल्दी, जैसे आप देख रहे हैं कि उसको तोड़ने में हमें बहुत ज़्यादा मशक्क़त लग रही है, तो इसका मतलब है कि ये हल्दी है, ये ओरिजिनल है। आप जब मार्केट में जाएंगे और हल्दी को तोड़ने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा जोर लगेगा, ये उसके ओरिजिनल होने की पहचान है। नकली हल्दी जो है वो बहुत बहुत आराम से टूटती है और अंदर से आप ये देखिए बिल्कुल केसरी रंग का, देखिए मेरी उंगली पे भी ये काफ़ी ज़्यादा रख गया है, तो अंदर का जो केसरी रंग है ये इसकी पहचान है। अगली जो चीज़ है इस फॉर्मूला में वो है बावड़ंग। बावड़ंग एक ऐसी चीज़ है जो शरीर में, पेट में, खास करके पेट में होने वाले जितने भी कीड़े हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि जब बचपन में आपके पेट में दर्द होता था तो घर के बड़े बुजुर्ग आपको कहते थे कि बावड़ंग का चूर्ण खाइए। बावड़ंग का चूर्ण जो है वो पेट में होने वाले कीड़ों को मारता था और वो कीड़े जो है हमारे पेट में सूजन का कारण बनते थे, जिससे हमारे बवासीर या कब्ज होने की शिकायत होती थी। अगली चीज जो है ये छाल है, इस छाल को हम कंचनार की छाल कहते हैं। ये छाल आपके पेट में होने वाले जितने भी गंदा म्यूकस है, म्यूकस जो गंदा मादा जो है हमारे पेट में जमा होता है जिससे बवासीर होता है, उस मादा को निकालता है और उस मादा को निकालने में इसकी मदद करता है ये स्नेह की पत्ती। हाँ जी, ये जो पत्ती है नीम की पत्ती जैसी, इसको स्नेह की पत्ती कहते हैं। ये जो है इसके हेल्प से आपके शरीर में से सारा का सारा गंद जो है वो बाहर फेंकता है और शरीर में जो सूजन होती है उसको कम करता है। इसके बाद जो महत्व है चीज़ वो ये है, इसको रेवंद चीनी कहते हैं। जो पहली चीज़ मैंने आपको बताई थी वो रेवंद असारा थी, जो कि एक एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है, रेवंद के लकड़ी में से निकलता है। ये जो चीज़ है ये है रेवंद चीनी, ये है, ये चीन से इंपोर्ट किया जाता है इंडिया में, ये लकड़ी चीन से आती है, इसको इसीलिए रेवंद चीनी कहते हैं। और इसकी प्योरिटी की निशानी है ये कि आप जब इसको थोड़ा सा लेकर के जीभ पे लगाएंगे तो जीभ पे आपका इसका बिल्कुल पीला पीला, आप जब चबाएंगे इसको अच्छे से, चबाने के बाद आपकी जीभ में एक लार सी बनेगी, पीली लार, ये इसकी पहचान है रेवंद चीनी की। अगली चीज़ है छोटी इलायची। छोटी इलायची हम चाय में डालते हैं, वैसे नॉर्मली भी खाते हैं। हम लोग कहते हैं कि अगर खाना खाने के बाद जिस इंसान ने दो इलायची खाई तो उसको कभी भी एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये सारी औषधियाँ जिनको बराबर मात्रा में आप लीजिए,
पीसिए दिन में 3 बार। हाँ जी, 3 बार। इसको अच्छे से पीसने के बाद दिन में 3 बार एक बड़ा चम्मच, आप देख रहे हैं इतना चम्मच दिन में 3 बार खाना खाने से पहले लीजिए। केवल 5 दिन, 5 दिन के अंदर अंदर बवासीर से होने वाला दर्द, जलन, सूजन, ब्लड और पेट सही तरह से साफ ना होना, ये सारे 5 चीजें 5 दिनों में आपको राहत मिलेगा। और ये आप सुरती इलाज है, आप ट्राई करके देखिए, बिल्कुल लाभ मिलेगा, 1 महीने के अंदर अंदर काफी ज्यादा लाभ मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए करनाल कस्बे दिए गए नंबर से संपर्क कीजिए और अपने आप को, अपने रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब को इस बड़ी बीमारी से दूर कीजिए।